हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। हम लोग सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई, उसके लिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें इंग्लिश का पेपर आपका साथ के साथ चल रहा है। और आज मैं हिंदी का जो हमारा छूट गया था जहाँ से, वहाँ से मैं आगे कराऊंगी। और इस 6 दिनों में आपका पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप कुछ अपने घंटे देकर अपनी पूरी सीटेट की तैयारी कर सकें और बिना किसी रुकावट के आप सीटेट को क्रॉस कर सकें। तो चलिए, हम लोगों ने किया था थॉर्नडाइक के, हम लोग नियम पे थे और हम थॉर्नडाइक के नियम को आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था थॉर्नडाइक का सीखने के नियम के अकॉर्डिंग। ये आपके हिंदी के लेक्चर में आएगा और यही चीज़ आपके जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है हिंदी का, वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो आपका इसका जो मेन टॉपिक है, इसका एनवायरनमेंट का, थॉर्नडाइक का, उसके अंदर भी ये आएगी टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं थॉर्नडाइक का नियम। थॉर्नडाइक का पहला नियम था तत्परता का नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग कार्य करने से पूर्व तत्परता या तैयार किए जाने पर यह बल देता है। अगर हम कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें उसको तैयार करना चाहिए। उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमें जाननी चाहिए। यदि हम किसी कार्य के सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं, तो उसे हम शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता। तत्परता, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमें सीटेट का एग्ज़ाम देने के हम इच्छुक हैं, तो हम उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और अगर हमें अंदर से ही नहीं आ रहा, हमें सीखने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो हम सीटेट की तैयारी कितना भी एग्ज़ाम पास आए, हम नहीं कर सकते। तो थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम यही कहता है। नेक्स्ट थॉर्नडाइक का नियम है अभ्यास का नियम। यह नियम किसी कार्य या सीखी गई वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, हमें सीखने हैं, तो उसको बार बार हमें प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए हो या हायर क्लासेस के लिए हो। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं, तो सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं। और यदि हम उन्हीं सीखे हुए कार्यों का अभ्यास नहीं करते, तो हम भूल जाते हैं। ये आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आया होगा, क्योंकि ये दोहा भी प्रचलित है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़े निशान। मतलब कि किसी भी कार्य को लगातार निरंतर करते रहने से उस कार्य में निपुणता हासिल की जा सकती है। चलिए थॉर्नडाइक का अगला नियम देख लेते हैं। उन्होंने नेक्स्ट थर्ड नियम बोला है प्रभाव या परिणाम का नियम। ये नियम आ सकते हैं आपको ऑप्शंस में, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें से थॉर्नडाइक का कौन सा नियम नहीं है या थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो जो नियम मैं बता रही हूँ, उसको आप अच्छे से अगर लर्न कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, प्रभाव या परिणाम का नियम। इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख और संतोष मिलता है, उस कार्य को वो बार बार करना चाहता है। इसके विपरीत जिस कार्य को करने से दुख या असंतोष मिलता है, उस कार्य को वो दोबारा नहीं करना चाहता। जैसे कि मैं इसे बच्चों को एग्जांपल लेके ही समझाती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, तो अगर उन्हें बोला जाए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो बार बार मैथ्स ही बोलेंगे। और जिन बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता और साइंस में इंटरेस्ट होता है, तो वो बच्चे बार बार अगर सब्जेक्ट पढ़ने को बोला जाएगा, तो वो बार बार साइंस ही लेकर आएंगे, वो मैथ्स नहीं लेकर आएंगे। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसको करने से आनंद मिलता है, जैसे कि बच्चों को पढ़ना और खेलने में से अगर एक ऑप्शन चूज़ करने को मिले, तो बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करेंगे खेलना, क्योंकि उन्हें उसमें संतोष मिलता है, सुख मिलता है। और पढ़ने से उन्हें इतना ज़्यादा सुख नहीं मिलता है, इसलिए वो उसे अवॉइड करना पसंद करेंगे। तो ये परिणाम या प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का कहा जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये 3 नियम तो इसके मेन इम्पॉर्टेंट नियम थे। इसके गौण नियम भी हैं थॉर्नडाइक के, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसका समाधान करने के लिए वे अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। और इन प्रतिक्रियाओं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है, जब तक कि वह सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या हल प्राप्त नहीं कर लेता। मतलब कि इसमें मैथ्स के ही सम्स ले लेते हैं। अगर कोई किसी बच्चे को सम सॉल्व करने हैं, तो वो अगर सम सॉल्व नहीं हो रहे, तो बार बार डिफरेंट फार्मूलेज से वो सम सॉल्व करेगा, और तब तक वो करता रहेगा जब तक उसका सम सॉल्व नहीं हो जाते। तो यहाँ पर ये बहु प्रतिक्रिया का नियम काम करेगा।
नेक्स्ट है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य करने को तैयार नहीं हैं तो हम उसे करने में असफल होते हैं या त्रुटियां करते हैं या विलंब से करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है कि जिस कार्य को हम पूरे दिल से मन से करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, उसकी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति क्रिकेट की तरफ थी, इसीलिए वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सका। ऐसी लता मंगेशकर की मनोवृत्ति अभिवृत्ति गाने की तरफ थी तो वो अच्छी गायिका बन सकी। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, अभिवृत्ति होती है, मनोवृत्ति होती है, वो कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जिसमें नहीं होता उसमें या तो असफल होता है इंसान या त्रुटियां होती हैं या विलंब से वो काम किया जाता है। और गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है। इन भागों को शीघ्रता और सुगमता से करके संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इस पर अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण का सिद्धांत आधारित है। मैं एग्जांपल देती हूँ इसमें कि अगर आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो एक ही साथ आप पूरा सिलेबस नहीं तैयार कर सकते। उसको आप पहले मंथली गोल्स में डिवाइड करोगे, फिर उसे साप्ताहिक जो आपका गोल है उसमें डिवाइड करोगे, फिर आप उसको डे बाई डे तैयार करोगे कि इस दिन मुझे क्या पढ़ना है, इस दिन मुझे क्या पढ़ना है। तो छोटे छोटे भागों में अगर आप तैयार करते हो अपने गोल्स तो आप मेन जो आपका लक्ष्य है, गोल है, वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। ये है सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है और उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पूर्व में अनुभव कर चुका है, वह नवीन ज्ञान को पूर्व के ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। मतलब कि वो दो सिचुएशन को इंटर रिलेट करता है। अगर उसने कोई नई चीज़ पहले सीखी है और उसी से मिलती जुलती समस्या उसके सामने दोबारा आ रही है तो उन दोनों को इंटर रिलेट करता है, आपस में जोड़ता है और जो उसे नई चीज़ समझ में आती है उसको वो अपना लेता है। एक और गौण नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। दूसरे शब्दों में पहले कभी की गई अनुक्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना, इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थिति परिवर्तन हो जाता है। थॉर्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही साहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है। इसका मतलब कि जैसे कि एक किसी परिस्थिति में किसी एक इंसान की मनोवृत्ति जैसी होती है, सेम दूसरी परिस्थिति में भी वैसी ही मनोवृत्ति होना यहाँ पर साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। और ये जो नियम है इन्होंने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन से ही लिया गया है। सेम टू सेम वही नियम है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहचर्य परिवर्तन का जो थॉर्नडाइक का नियम है वो किस और जो दर्शन सॉरी समाजशास्त्री हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं किस दूसरे साइकोलॉजिस्ट से संबंधित है या रिलेटेड है, तो यह पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का नियम इससे रिलेटेड होगा। तो चलिए आज हमारा ये थॉर्नडाइक का नियम यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाऊंगी ताकि आपका हिंदी और इंग्लिश का कम से कम यहाँ कोर्स ख़त्म हो जाए और साथ में क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम अपना 7 जुलाई को दे सके और सीटेट क्लियर कर सके और हमारे देश के भावी शिक्षक बन सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।